It was mount transmitter FF type, square root में. ये हमारा टैग नंबर है और जिसमें कॉन्फ़िगरेशन किया है वेंडर, डाउनलोड किया है, ये हमारा ये है AI ब्लॉक. अभी हम लोग पहले LCD डिस्प्ले सेटअप करेंगे. इसमें जाने के लिए आधार में जाएंगे. आधार में जाके डिस्प्ले डिस्प्ले पैरामीटर में हम ये दो डिस्प्ले में पैरामीटर वन और प्रेसर ऑन करेंगे. हो गया. इसके बाद ब्लॉक टाइप में AI ब्लॉक देंगे और ब्लॉक टैग में जो हमारा डाउनलोड हुआ है वेंडर डाउनलोड किया R90FI11 1511.RNIFT1511, ये देना है. पैरामीटर इंडेक्स में आउट लिखना है. कस्टम टैग में FT1511 और यूनिट टैप में कस्टम मारना है. और जो हमारा स्क्वायर यूनिट का जो है वही यूनिट डालना है. स्क्वायर रूट का जो यूनिट गैलन पर मिनट. ये हमारा LCD से फिनिश हो गया काम. अब हम लोग AI ब्लॉक में जाएंगे. AI ब्लॉक के सामने ऑटो है, इसी में जाना है. इसी में कॉन्फ़िगरेशन हुआ. इसमें क्विक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है. वेरिएबल चैनल हमारा प्रेशर रहेगा. लिनियराइजेशन टाइप इनडायरेक्ट स्क्वायर रूट. ये हमारा इनपुट वैल्यू हो गया 0 to 250 in S2O. यूनिट भी in S2O है. और ये आउटपुट वैल्यू हो गया 0 to 1600 गैलन पर मिनट. ये हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद जो टू डेसिमल जरूरी. अब हम दो तरह से इसको सिमुलेट कर सकते हैं, कनेक्टर से भी और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके. कनेक्टर से हम लोग सिर्फ आउटपुट वैल्यू जो है हमारा आउटपुट का 0 to 1600 वो देंगे और ट्रांसमीटर में देखेंगे. जैसे अब इसमें हम 0 to 600 है, मतलब 0 पे 0 रहेगा. 0 पे 0 रहेगा. इसका इसमें जाने के लिए मोड चेंज करना पड़ेगा. कनेक्टर से मैनुअल में करना पड़ेगा. मैनुअल में किए, सेंड किए और हमारा 0 मिलेगा. यहाँ वैल्यू हमारा 0 मिल रहा है गैलन पर मिनट. ओके. उसी तरह फिर 25% देंगे. 25% दिए 400 गैलन पर मिनट, वो भी यहाँ मिलेगा 400 गैलन पर मिनट. देखो ट्रांसमीटर 400 गैलन पर मिनट, ये हो गया 25%. अब हो गया. अब हम लोग डायरेक्ट इसको जीरो करने के लिए, जीरो करने का जरूरत नहीं, ऑटो करेंगे. जीरो खुद ही खुद हो जाएगा. इसका ऑटो कर दिया, अपना जो वैल्यू इसका ही आ गया. अब हम लोग एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको इनेबल करेंगे. डिसेबल है, इनेबल करके इसमें मोड चेंज नहीं करना. मोड चेंज करने का जरूरत नहीं है इसमें. अब सिमुलेट में जाएंगे. सिमुलेट में 0 देंगे. 0 देंगे और कनेक्टर में जाके देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है. 0 पे 0 आ रहा है. ओके. फिर से हमारा 62.5 25% होता है इसका. 250 है इसका रेंज. 0 to 250 in S2O. 62.5 दिया, 25%. आप कनेक्टर में जाके देख लेंगे कितना आ रहा है. 800 आ रहा है. यहाँ भी 800 आ रहा है. ओके. अब 50% देंगे. 125 50% कनेक्टर में जाके देखेंगे. 1131.37 यहाँ भी उतना ही आएगा.
हम लोग इनपुट दिए 125 in H2O, लेकिन ये आउटपुट हमारा ऐसे मिल रहा है गैलन पर मिनट में 1131 पॉइंट इतना। अब हम लोग फुल स्केल देंगे, फुल स्केल में भी इसका वैल्यू 1600 के पास में होगा। 250 दिया इन H2O, अब कनेक्टर में जाके देखेंगे 1600 गैलन पर मिनट, वो हमारा भी यहाँ भी दिखाएगा और DCS पे भी इतना ही दिखाएगा आउटपुट। ओके बस हो गया, ये हमारा प्री लुक डन हो गया।